आज मैंने सोचा कि किचन की सैर कराऊं आप लोगों को, और एक हमारे घर गेस्ट भी आ रहे हैं दूर से, तो इसलिए हम आज पर्दा बिरयानी बनाने लगे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। आज अभी थोड़ा सा आपको टेबल का लेआउट बता दूं, ये आप इसको देख लें। आपको ये ऑफ कोर्स बहुत फॉर्मल नहीं है टेबल सेटिंग, वो भी इंशाल्लाह आगे की ही पता चलेगी आपको साथ साथ जैसे जैसे चलता जा रहा है। तो ये मिनिमम आपका मेन्यू और बजट के साथ और मिनिमम चीज़ें हैं और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। जो आज या जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमेशा उतना ही आप अरेंज करें लंच या डिनर जितना आप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ना करें कि आपसे चीज़ संभाली ना जाए और आप जब तक गेस्ट आए आप बहुत थक जाएं। ये सब कुछ आजकल आपको पता है क्या प्राइसेस और सब कुछ एक्सपेंसिव ही है, तो जिससे आपसे खुश होना है, जो आपसे प्यार करता है वो आपसे हर तरह से आपके साथ मिलके खाना खा के खुश होगा। आप अगर बहुत कुछ बना रहे हैं, बहुत कुछ आपने बना लिया और टेबल भरा हुआ है और आप कुछ चीज़ें अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं हुई नहीं, तो आप खुद भी थक जाएंगे और आप गेस्ट को भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे। थैंक यू, थैंक यू नवीद। और ये है जो आज बनाया है मेन्यू, जो आज का हमारा मेन्यू था
पर्दा बिरयानी और रायता है। ये उन सब लोगों के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछ रहे हैं कि बजट कुकिंग और बजट में रह के कुछ अच्छा बनाने के लिए जो पूछ रहे हैं। ये दिस इज़ अ रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम ऑल्सो, क्योंकि ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिरयानी है चिकन जो मैं भी ऑफकोर्स विल कट इट एंड सर्व, तो आपको नज़र आएगी, और साथ रायता है और साथ ड्रिंक्स हैं। कुछ इतना ख़ास, अब आजकल बिरयानी तो एक कोई गेस्ट आया आपने बनानी होती है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है अगर आप लंच पे या डिनर पर सब लोग मिल के बैठ के, इम्फॉर्मल ऑफकोर्स, फॉर्मल उसके लिए नहीं, लेकिन कोई आपके घर गेस्ट आ जाए तो हम लोग ये मेन्यू रख सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। और अभी हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं, मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। थैंक यू। आई होप आज के आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपका भी अच्छा बने बिरयानी जो आज हमने बनाई है। और प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।